यूपी के लखनऊ पुलिस ने पिछले दिनों आईसीआईसी बैंक में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए सिक्योरिटी इंचार्ज हरिराम और उसके साथियों को गहरी साजिश रचकर नाटकीय लूट के मामले में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 12 फरवरी को लखनऊ के हसनगंज के डालीगंज क्रॉसिंग पुल के पास आईसीआईसी बैंक की वैन से हथियारों के बल पर लूटपाट हुई थी, मगर पुलिस द्वारा जांच किए जाने पर हरिराम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से सारा राज पुलिस को मालूम हो गया और उस पर साजिश रचकर 5 लाख लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पेश हमारे लखनऊ का संवाददाता आनंद प्रकाश गुप्ता की खास रिपोर्ट। कई जगह से कई एटीएम से इतना 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 पैसा निकाल के मैं लेके आ रहा था। वरिष्ठ उप निरीक्षक हसनगंज ने वहां ये बताया कि जब वो जीगंज में तैनात थे तभी इसी व्यक्ति ने इस तरह की सूचना दी थी जो बाद में झूठी निकली। जिन जिन एटीएम से इसने पैसा निकालना बताया था वहां की फुटेज निकाली गई, जो रास्ता इसने बताया था वहां की फुटेज निकाली गई, फिर इसकी कॉल्स के एनालिसिस करने पर पता लगा कि घटना के समय तक कोई व्यक्ति इससे लगातार बात करता रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने लग के उस व्यक्ति को जब पूछताछ के लिए बुलाया तब बात पूरी उनके सामने आई कि ये अक्सर जब इसको अपने वर्कर्स को अपने लेबर्स को पैसा देना होता था तो ये इस तरह पसवांग रच लेता था कि साहब हमारा पैसा लूट गया, ताकि उनको पैसा देना नहीं पड़े। और पूरा पैसा जो निकाला गया था या इसके पास था जिसको तथाकथित रूप से लूट उसने बताया था वो पूरा पैसा रिकवर हो गया और जिस अपने मित्र को बुलवा के उसने ये दावा कराया था उसकी गिरफ्तारी हो गई। और इसने पुलिस को इतना परेशान किया, सारे प्रेस वाले वहां आए थे उनको परेशान किया, झूठी बात बताई, इसलिए इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करके इसे जेल भेजा जा रहा है। सर वाहन और कट्टा जो बताया था इन्होंने वो बरामद हो गया। पहले बताया था कि इसमें किस तरह घटना कितने रुपए पहले करवाई थी? पहले अरविंद ने कब बताया था? दो तीन सर ये नहीं बताया था कितने कितने उन्होंने बताया मेरा पैसा गिर गया, पैसा लेकर गिर गया, पूरे रिकवर हो गया। हमने मौके पे रिकवर हुआ या कहीं और से पैसा इसी के पास से रिकवर हुआ? मैंने आपको पूरी बात बताई कि अपने एक मित्र को जो साथ वाला है उसको बुलवाया था, वही ले गया था, उसी के पास से सारा पैसा रिकवर। सर एसएसटी को अपडेट नहीं लेकिन सूचना पूरी अब जाके